ये है एक फ्लड सेंसर। ये वाटर सेंसर और फ्लोट सेंसर का संयोजन है। दोस्तों, फ्लड दो तरह का होता है। एक तो होता है फ्लैश फ्लड, जो अचानक से आने वाले बारिश से होता है, और दूसरा होता है रिवर फ्लड। अब ये हाई टाइड, बर्फ गलने से या फिर बांध टूटने से भी हो सकता है। यहाँ मैंने एक आई ड्रॉप के बोतल और बियरिंग बॉल से एक फ्लोट सेंसर को बनाया है, जो कि BC547 NPN ट्रांजिस्टर द्वारा प्रचालित होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिर्फ वाटर लेवल इंडिकेटर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि अचानक से आने वाले बारिशों के बूंदों से ये सेंसर एक्टिवेट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इस सर्किट के साथ एंड गेट को जोड़ के इसके साथ एक फ्लोट सेंसर को भी ऐड किया है। और मैंने इस सर्किट में जो बाजर और LED को लगाया है, ये दोनों सेंसर एक्टिवेट होने के बाद ही जलेगा। और इस प्रोजेक्ट का एंड गेट बनाने के लिए एक ऑक्टोकॉप्लर 817 बहुत बढ़िया साबित हुआ। ये सेंसर साइलेंटली आने वाले बाढ़ को बहुत ही अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकता है। अब आप लोग भी साइलेंटली वीडियो को लाइक कर दीजिए।